हाय, दिस इज तस्कीन खान इन किला रोहतास, यानी कि जो रोहतास फोर्ट्रेस है हिस्टोरिक। ये मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू देता हूँ। ये एक वैली भी है नीचे, इसके पीछे आपको पहाड़ भी नज़र आएंगे। हिस्टोरिक व्यू है, एक्सीलेंट व्यूज़। और ये जो पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है जेहलम, तकरीबन 1.5-2 घंटे के फासले पे है, जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। तो ये आपने व्यू देखा किला रोहतास, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा व्यू भी दूंगा, इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा। तो ये मैं अभी गुजर रहा हूँ, ये डार्क रूम है, ये किसी ज़माने में जो उनके सोल्जर्स होते थे हाइड करते होंगे। और शेर शाह सूरी, इनका आपने नाम सुना था। अनदर एक्सीलेंट व्यू जो रोहतास फोर्ट्रेस है उसका व्यू। तो शेर शाह सूरी, ये मेरे जुबान में अटक रहा थोड़ा सा बर्ड, ये इनका जो एरा था इतना लंबा नहीं था, तकरीबन 7 साल, 1541 से लेके 1541 से लेके 1548 तक। तो 7 साल के अंदर इन्होंने इंडिया के अंदर, जो तब का इंडिया था, बड़ा काम किया। तो ये भी उन्हीं के दौर में बना हुआ है। तो ये इस दौर की मिलिट्री माइट को शो करता है कि कितना ज़बरदस्त इनकी एक फौजी ताकत हुआ करती थी। तो इस ज़माने में ये जो जेलम का एरिया था, इसमें गखड़ कबाइल होते थे, गखड़ ट्राइब्स, तो वो एफिलिएशन उनकी थी मुगल्स के साथ। तो उस ज़माने में शेरशाह सूरी ने गखड़ को डिफीट दी थी, गखड़ ट्राइब्स को। तो ये इसकी एक मुख्तसर सी हिस्ट्री है। तो जो 16th century का ये रोहतास किला है, मेरे थोड़ा इमोशनल इसलिए भी है क्योंकि आई एम विजिटिंग पाकिस्तान विद माई सिस्टर संगम, एंड माई मदर विजिटेड दिस फोर्ट्रेस वे बैक इन 40-50 years back, जब वो स्टूडेंट थी। तो वो हमें बताती थी कि वो किला रोहतास में आई थी। सो वो इन जगह पे उनके भी कदम पड़े होंगे इन हर स्टूडेंट लाइफ। सो इट्स बिट इमोशनल, लेकिन ओवरऑल जो है बड़ा ज़बरदस्त है। बारिश भी हो रही है, लंडन लाइक वेदर। अगर आप जल्दी से ऊपर देखें तो क्लियर स्काई नहीं है, ये ओवरकास्ट है, लेकिन एक एक ईंट से, एक एक पत्थर से हिस्ट्री जो है वो झलक रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बींग विद मी, सेइंग गुड बाय टू यू फ्रॉम किला रोहतास जो फोर्ट्रेस है जेलम में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस।